दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं शाहपुरा लेक और यहाँ पे हम लोग को एक कार्ड दिखती है जिसका नाम है पंजाब के मशहूर छोले कुलचे। तो यहाँ पे वैसे इनकी दो शॉप है, एक छोले कुलचे का है और एक इनके चाइनीज़ का है। तो चलिए हम लोग अंकल जी से बात करते हैं ये लोग कब आए थे और इनका जो आप लोग देख सकते हो हॉकर्स ऑफ द डे लिखा हुआ है 12 जुलाई 2014। तो यहाँ पे भोपाल आए थे और इन्हें भोपाल में अपनी शॉप लगाई थी 12 जुलाई 2014 को, तो उन्होंने अपना डेट इनकी दुकान पर लिख कर रखा है। तो चलिए अंकल जी से बात करते हो। क्या नाम हो अंकल आपका? सुखदेव सिंह। तो अंकल आप कब से लगा रहे हो यहाँ पे दुकान, कब से अपनी? जहाँ से लगा रहे बेटा 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए तो आप अमृतसर से ही हो प्रॉपर? हाँ प्रॉपर। तो यहाँ आने का कब से हुआ आपका और यहाँ पे ऐसा लगाने का स्टार्टअप? ऐसे ही मूड बन गया बनाने का लगाने का, तो दुकान लगाई तो अच्छा चल गया। तो टाइमिंग क्या रहती है अंकल जी? टाइम रहती बेटा शाम को 4 बजे चालू होता है, रात के 11:30 बजे तक। और क्या क्या है यहाँ पे? आलू कुलचा है, गोभी कुलचा है, पनीर कुलचा है, मक्की की रोटी है, सरसों का साग है बेटा। अच्छा पंजाब की फेमस है वो? तो पंजाब का पूरा फेमस है। एड्रेस क्या हुआ अंकल यहाँ का? छापरा है, कैंपियन स्कूल। तो चलिए अब हम लोग कुलचे लगवाने वाले हैं। वैसे हम लोग दो कुलचे लगवाएंगे, एक पनीर और एक आलू। तो चलिए वैसे जानते हैं कौन सा कुलचा है। आलू वाला भी है ये हमारे आलू के कुलचे लगा रहे हैं भैया, आप लोग देख सकते हो। कितने कुलचे आ जाते हैं भैया? एक प्लेट में दो आते हैं। एक प्लेट में दो आते हैं। और जैसे छोले एक्स्ट्रा लेना तो ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो अगर आप लोग आलू कुलचा लेते हो तो आप लोगों को 120 रुपये का पड़ेगा, अगर आप लोग पनीर कुलचा लेते हो तो आप लोगों को 150 रुपये का पड़ेगा सर। ये क्या भैया? अच्छा मसाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को तंदूर दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये तंदूर है, अब इसमें हमारे जो कुलचे हैं वो जाने वाले हैं। ये जो आप लोगों को कुलचा दिख रहा होगा ये आलू वाला है। सबसे पहले भैया पानी लेते हैं और उसके साथ बटर लगा के चिपका देते हैं इसके तंदूर में। तो अभी तक आप लोगों ने देखा भैया ने आलू की मेकिंग की है, अब चलिए भैया से हम लोग पनीर कुलचा बनवाते हैं। इसमें भैया ने सबसे पहले पनीर लिया और इनके मसाले जो रहते हैं वो मसाले भी जानने वाले हैं भैया से। लेकिन आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ जो वो एक वाइट कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाओ फटाफट से। भैया आप कौन कौन से मसाले यूज़ करते हो बता दो। प्याज है, हरी मिर्ची है, अदरक लहसुन वगैरह सब, लहसुन नहीं रहता जी, बाकी सब जो खड़े मसाले रहते हैं वो डलते हैं। ठीक है भैया। ये पनीर वाला भैया? जी जी। तो अब हमारे जो कुलचे हैं आलू और पनीर वाले वो अच्छे तरीके से सिक चुके हैं, अब भैया उसको निकाल रहे हैं। आप लोग देखो निकालने का तरीका कितना ज़्यादा अच्छा है इनका, और अगर आप लोग सामने होते तो आप लोगों को मज़ा ही आ जाता। और देखो बटर कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, आप लोग देख रहे हो कुलचे में बटर जो है कितना भर भर के यूज़ कर रहा है। जितने भी पंजाबी ढाबे होते हैं और या पंजाबी जहाँ पर भी यूज़ होते हैं ये चीज़ें, वहाँ पर बटर की कमी की ही नहीं जाती। आप लोग जितना चाहो उतना बटर ले सकते हो और बटर ये लोग इतना भर भर के डालते हैं, मैं क्या बताऊँ। आप लोग देखो कितना ज़्यादा बटर यूज़ कर रहे हैं भैया फिर से एक बार, और इसको भी ये इनको अच्छे तरीके से तोड़ने वाले हैं। ये देखो ये हमारे, तो आप लोग देखो इनके प्लेट में क्या क्या रहता है। क्या है भैया ये? ये चटनी। क्या क्या रहता है इस चटनी में? आलू वाला कुलचा, प्याज की चटनी है। ये अंकल जी छोले? तो दो प्लेट में छोले देते हैं आप? हाँ जी भैया। तो चलिए अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले जो हम लोग टेस्ट करने वाले वो पनीर कुलचे हैं, तो आप लोग देख सकते हो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा है तो टेस्ट करने में कितना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितने बंदे भोपाल से देख रहे हो एक बार यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना, अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बताना। दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसमें जो पनीर डले हुए हैं ना उनका स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, और बटर के साथ तो मज़ा ही आ गया। तो चलिए अब आलू वाला टेस्ट करते हैं। तो ये आलू है हमारी, आप लोग देखो इनकी आलू की फिलिंग भी अच्छी है, और बटर तो इसमें आलू वाले में ज़्यादा ही बटर लगा दिया इनने। चलिए कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करते हैं इसको कैसा ये वाला। तो चटनी लगा लेते हैं फटाफट से। ये चटनी आ गई हमारी, प्याज और इनकी लाल चटनी है। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही शानदार है, मतलब आप लोगों को दोनों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर आना और टेस्ट करके बताना।